गाइस, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने शिवानी ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉगिंग में कुछ स्पेशल होने वाला है। वो क्या होने वाला है अभी आप आज हमारे रूम पे है बैचलर पार्टी। तो किसकी है बैचलर पार्टी, कौन है वो पर्सन, मैं अभी आपको थोड़ी देर में रिवील करूंगी उसकी फेस रिवील करूंगी लास्ट में। तो ये वीडियो पूरा देखना गाइस। अब हमें करना है डेकोरेशन, तो हम करते हैं डेकोरेशन। फिक होते हैं रेडी हो गए। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी। तो चलो आज की बैचलर पार्टी में किसने क्या ड्रेस पहना है आपको मैं शो करती हूँ। और हमारी बैचलर पार्टी के ब्राइड टू भी कौन है वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। अब हम जा रहे हैं फोटो शूट के लिए। भी डांस तो हो चुका है उसका, फिर अभी आके भी डांस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फोटो खींच लेते हैं क्योंकि हमने फोटो नहीं खींची है, फोटो बहुत सारी कम, बहुत ही कम खींची है। तो अभी हम फोटो खींचने जा रहे हैं छत पे, बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं, एक अम्मा भी हमें देख रही है। तो अभी हमारी पार्टी खत्म हो चुकी है और हम जा रहे हैं अभी घर को। और काफी अच्छी थी पार्टी एंड अभी मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो गया इसलिए हमें डर लग रहा। यह है शिवानी, आज बारिश आने लग गई है इसके व्लॉग में आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। तो
ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको कैसा लगता है आपका प्रेशर पार्टी, हम दिखाएंगे आगे आगे क्या क्या क्या। और ये फोटो शूट अभी तो इनकी खत्म हो ही है, ब्राइड की हमारी और आंटी की कंघी गिर चुकी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं रूम में, ये तो हमारा तब भी ठीक ही था, अब देखना आफ्टर पार्टी हमारा रूम कितना गंदा हो गया है। तो ये अभी हमारा रूम है जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और शिवानी को अभी सही करना है। ये सब मेरे को सही करना पड़ेगा क्योंकि इसी ने खराब कर रखा है। मैंने नहीं करा, इन लोग ने भी करा है, दी लोग ने भी करा है। इस रूम की हालत कुछ ऐसे हो चुकी है ये, तो गाइस और इनने खा पी के यहीं रखा है। अभी पूरा साफ करने पड़ेगा और मेरा बेड की हालत देखो कितनी गंदी हो चुकी है, और जा रही है ट्रे चेंज करने। गाइस फाइनली हमारी प्रेशर पार्टी कंप्लीट हो चुकी है और सब फ्रेंड लोग जा चुके हैं अपने अपने घर के, और जिनको ड्यूटी जाना था वो ड्यूटी भी जा चुके हैं। और रूम की हालत इतनी गंदी हुई थी ना, इनने खा पी के इतना गंदा किया था, इतना गंदा हुआ था रूम की हालत। तो रूम अभी मैंने साफ कर लिया है, अब रूम साफ करने के बाद थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की हालत कैसे हुई है, मैं अभी बताती हूँ आपको। हो चुका है मेरा रूम क्लीन, देखो अब रूम क्लीन हो चुका है मेरा। गाइस ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आप सबको पसंद आया हो मेरा वीडियो। तो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मैं शिवानी जल्दी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बाय बाय।